शहर की अम्मादा थाना पुलिस ने 12 दिसंबर की रात को शहर के हिस्ट्री शीटर नरेश हरिजन और उसके अन्य 7 साथियों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार और मिर्ची पाउडर भी जब्त किया था। बताया गया था कि नरेश अपनी साथियों के साथ मिलकर शहर के एक पेट्रोल पंप को लूटने की प्लानिंग कर रहा था, तभी पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से हथियारों को जब्त भी कर लिया गया था। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान नरेश ने पुलिस को बताया था कि यह बड़ी संख्या में जो हथियार उनके पास मिले वो सभी उन्होंने बीकानेर के रहने वाले उसके एक साथी सुखदेव और सुखा धवल से खरीदे हैं और वह पेट्रोल पंप लूटने की फिराक में थे, उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस पूरी घटना के बारे में कई बातें सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि नरेश गैंग वॉर के चलते बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है और पुलिस ने बताया कि दरअसल यह एक पेट्रोल पंप लूट की प्लानिंग के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि नरेश हरिजन उदयपुर शहर का एक हिस्ट्री शीटर है, सुखेर थाने का हिस्ट्री शीटर है और पूर्व में कई आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। तो सुखदेव जो उसका साथी जिसको पुलिस ने बीकानेर से गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ भी पूर्व में 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं और बीकानेर के एक थाने का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस अब सुखदेव से इन हथियारों की सप्लाई के बारे में गहनता से पूछताछ कर रही है। आपको एक बार फिर बता देते हैं कि उदयपुर के नरेश हरिजन गैंग की गिरफ्तारी के बाद उससे मिली जानकारी के अनुसार अम्मामाता थाना पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति सुखदेव और सुखा निवासी बीकानेर को बीकानेर से गिरफ्तार किया है, जिसे आज उदयपुर लाया गया है और पुलिस अब उससे गहनता से इन अवैध हथियारों की सप्लाई के बारे में पूछताछ कर रही है। अब बता दें कि 12 दिसंबर की रात को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शहर के शिल्पग्राम इलाके के पीछे के जंगलों से नरेश हरिजन जो कि शहर का एक हिस्ट्री शीटर है उसको उसके साथियों के साथ हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था और मामला सामने आया था कि वह पेट्रोल पंप लूट की प्लानिंग कर रहे थे। उससे पहले ही पुलिस शिल्पग्राम इलाके में पहुंची और उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।